शुरू करेंगे तो हम पहले बात करेंगे कि क्या रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के कन्वेक्स लेंस में। तो हमने बोला कन्वेक्स का मतलब है कन्वर्जिंग, लाइंस कन्वर्ज होती है। तो देखिए पहला मैंने ये बोला, व्हेन द लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन या आफ्टर बेंडिंग, क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, मैं मार्क करती हूँ आपके लिए, मैंने बोला ये लाइन पैरेलल थी मेरे प्रिंसिपल एक्सिस के, बेंड हुई, बेंड होने के बाद फोकस से पास हुई। ठीक है, तो ये थी पहला रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है देखते हैं। सेकेंड रूल से सेकेंड रूल अब उल्टा है। सेकेंड रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या करती है, फोकस से पास होती है, वो बेंड होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, तो सेकेंड सिचुएशन में ये बोला। थर्ड की बात करें तो थर्ड कहती है, इफ अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि लेंस के मिडिल से यहां से जाती है, तो वो क्या करेगी, थ्रू एंड थ्रू विदाउट डेविएशन पास कर जाएगी, यानी कि कोई डेविएशन नहीं होगा, वो उसे थ्रू एंड थ्रू पास कर जाएगी। आई होप ये तीन बेसिक लॉज क्लियर होंगे आपको। यानी कि आते तीन बेसिक लॉज, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। पहला लॉ, अगर कोई लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट लाइट पैरेलल है, तो बेंड होने के बाद लेंस से पास हुई, बेंड हुई उसके बाद वो फोकस से पास करेगी। क्लियर। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल कहता है वही लाइट अगर फोकस से पास करके मिरर पर लेंस पर बाउंस करती है, तो वो क्या करेगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, एज यू कैन सी हियर। और लास्टली थर्ड रूल ये कहता है कि अगर वो इंसिडेंट लाइट क्या कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर यानी ओ से पास होती है, तो वो एज इट इज थ्रू एंड थ्रू चली जाएगी विदाउट एनी डिविएशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो पहले हम बात करेंगे इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है, यानी कि इट इज अ फार डिस्टेंस, तो आप कैसे इमेज फॉर्मेशन होगी, मैं का रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद जब वो बेंड होंगी, ठीक है, आफ्टर बेंडिंग वो क्या करेंगी, दिल मीट एट फोकस, वो फोकस पे मीट करेंगी। फाइन, तो इमेज कैसी थी, इमेज है पॉइंट साइज, यू कैन सी द नेचर, नेचर इज रियल एंड इनवर्टेड बट द साइज इज पॉइंट साइज। तो जैसा हमने देखा, हमने पहले रे डायग्राम में पहली इमेज फॉर्मेशन में बात की जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, ठीक है। अब बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया बियॉन्ड टू एफ। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा ये बियॉन्ड टू एफ है, चलिए यहाँ रख देते हैं, ठीक है, और ये हमारा टू एफ है, तो ये हमारा एफ है। तो हमने ये बोला कि ये बियॉन्ड टू एफ हमने इसे रखा। नाउ लेट्स सी क्या होता है, पहली आई पैरेलल थी, ओके, रिफ्रैक्ट होने के बाद बेंड हो गई, परफेक्ट। सेकंड देखिए, जैसे ही सेकंड पास हुई, उसने कहा, बोला कहा बनी हमारी इमेज, द इमेज फॉर्म्स बिटवीन एफ एंड टू एफ, एज यू कैन सी हियर दिस इज योर इमेज फॉर्म। नाउ इफ यू सी हियर लाइकवाइज, तो आप खुद ही देख सकते हो कि डिफरेंस इज देयर ऑब्जेक्ट की हाइट एंड इमेज की हाइट। तो हम क्या बोलेंगे, इमेज कैसे बनी है, इमेज बनी है डिमिनिश्ड, ठीक है, इमेज कैसी बनी है, डिमिनिश्ड बनी है, एंड यू कैन सी कि वो कैसी है, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्लियर था आपको, जिसमें हमने इंफिनिटी की बात की। सेकंड केस में हमने बात की, अगर ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को मैंने रखा बियॉन्ड एफ। ओके, नाउ आई ट्राई टू ब्रिंग माई ऑब्जेक्ट अ लिटिल क्लोजर, आई मूव माई ऑब्जेक्ट टू टू एफ, परफेक्ट। इफ आई ब्रिंग इट टू टू एफ, फर्स्ट रे क्या की, पैरेलल थी इंसिडेंट रे के, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, देन टू, देन पासिंग थ्रू एफ। सेकेंड अगेन इट इज पासिंग थ्रू फोकस, सो आफ्टर बेंडिंग इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। तो आप देखेंगे द इमेज फॉर्म्ड इज एट टू एफ ओनली, टू एफ पे ही ऑब्जेक्ट रखा, एंड द इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट टू एफ। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस ओवर हेयर, डिफरेंस क्या है पहली और दूसरे केस से, कि आप देखोगे कि आपका ऑब्जेक्ट साइज और आपका इमेज साइज इक्वल है, ठीक है तो रियल एंड इन्वर्टेड ऑपोजिट ही बनी है, मगर कैसा साइज है, रियल सेम साइज, क्लियर है। नाउ आई विल मूव द ऑब्जेक्ट अ लिटिल क्लोजर टू एफ, यानी अब मेरी सिचुएशन आई फोर्थ सिचुएशन, जहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है टू एफ और एफ के बीच में, ठीक है, फोकस और टू एफ, फोकस के बीच में मैंने आपका क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा। नाउ व्हेन आई ट्राई टू ड्रॉ दी लाइंस, तो फर्स्ट लाइन सेम पैरेलल गई, सेकेंड सेम लाइकवाइज फोकस से पास की, अगर ये फोकस से नहीं भी पास होती तो यू कैन मेक इट लाइक दिस,
जहाँ आपने कहा उसे ऑप्टिकल सेंटर से पास किया। तो जब ऑप्टिकल सेंटर से पास किया तो यू कैन सी दिस इज व्हाट यू रिसीव। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है बिटवीन टू एफ एंड एफ। जब आपकी इमेज बनी बियॉन्ड टू एफ। तो आप अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो जैसे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट इन पिक्चर आता गया वैसे वैसे ही आपकी इमेज भी मूव करती गई आगे। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आपका मिरर में था वैसे ही लेंसेज में है। जितना मेरा ऑब्जेक्ट पीछे है यू कैन सी इन द पिक्चर वैसे ही आई एम ट्राइंग टू मूव इट अहेड लेंस के पास लेके आ रही हूँ। तो दो चीजें हो रही हैं अगर आप नोटिस करो तो। एक तो आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो बड़ी होती जा रही है एंड सेकेंड इट इज गोइंग बैकवर्ड्स वो पीछे जाती जा रही है। ठीक है सो नाउ अगले केस की बात करते हैं। नाउ आई एम कीपिंग द ऑब्जेक्ट एट एफ। अब मैंने ऑब्जेक्ट जो रख दिया वो रखा एफ पे। ठीक है तो आपको याद होगा हमने क्या बोला था जब आपका इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो फोकस पे इमेज बन रही थी। सो बाय रूल हमने ये बोला कि अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एफ पे आ गया है तो इमेज कैसी बननी चाहिए इंफिनिटी पे। देखो इसमें यही मेंशन किया ये पैरेलल बनाया है और पैरेलल करके बोला कहीं दूर जाके इमेज बनेगी इंफिनिटी पे जो कैसी होगी हाईली एनलार्ज्ड होगी। क्लियर है ये। अब लास्ट बात करते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट बिटवीन ओ एंड एफ। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आई हूँ ओ और एफ के बीच में। तो जब मैं ओ और एफ के बीच में लेकर आई हूँ तो नाउ आई प्रोड्यूस द इंसिडेंट रे। तो देखिए सेम चीज यू कैन नॉट गेट द इमेज बिहाइंड द लेंस यू विल बी गेटिंग द इमेज इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है तो लेंस के इन फ्रंट में है और बाकी इमेजेस से क्या डिफरेंस है। डिफरेंस है कि वो जो थी वो रियल एंड इन्वर्टेड थी ये जो बनी है वर्चुअल और ये बनी कहाँ है बियॉन्ड टू एफ। क्लियर तो ये आपके कुछ मिरर इमेजेस रे डायग्राम्स थे कन्वर्जिंग लेंस के लिए। तो चलिए अब बात करेंगे डाइवर्जिंग लेंस की। पहले हमने की थी कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स की अब बात करेंगे कनकेव की। तो सेम पहले थोड़े रूल्स रिवाइज करें तो वो कहता है पहला रूल इसके अंदर भी वही है क्या जब आपकी रे ऑफ लाइट यानी इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है एंड आफ्टर बेंडिंग ठीक है जब वो बेंड होती है तो वो क्या करती है वो डाइवर्ज कर जाती है तो इट अपियर्स टू डाइवर्ज। अब हमने बोला अब जब वो डाइवर्ज की तो इट अपियर्स टू डाइवर्ज सेम साइड ऑफ द लेंस पे और कैसे आई फोकस पे यानी कि आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कनकेव लेंस द रे अपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ठीक है तो वो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के जब वो डाइवर्ज की हमने कहा इट अपियर्स दैट इट इज पासिंग थ्रू फोकस। सेकेंड सिचुएशन इज लाइकवाइज इफ द रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू वेयर फोकस। अगर अब वो लाइट क्या कर रही है वो फोकस से पास होगी ठीक है तो अगर उसने फोकस से पास होना है तो फोकस से वो पास होके देन आफ्टर बेंडिंग विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड की बात करें तो सेम ऑप्टिकल सेंटर से जब आपकी लाइट पास करती है इंसिडेंट लाइट सो इट गोज थ्रू एंड थ्रू एज इन विदाउट एनी डेविएशन इट जस्ट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अब आप देख सकते हैं कनकेव लेंस में सेम चीज है। हमने क्या बोला ऑब्जेक्ट कहाँ है एट इंफिनिटी यानी ऑब्जेक्ट देखिए इंफिनिटी से है दूर से लाइट आ रही है। हाउ विल इट गो हमने कहा लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर बेंडिंग डाइवर्जेंट है वो डाइवर्ट करेगा। जब आप इसे अपीयर टू प्रोड्यूस करोगे एज फोकस तो इट विल बी पॉइंट साइज। ठीक है तो कन्वर्जिंग में भी ऐसा ही था डाइवर्जिंग में भी ऐसा ही है। अगर आपका ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी फोकस के ऊपर। बस डिफरेंस क्या है आप देख सकते हो कन्वेक्स में कैसा था बिहाइंड द मिरर था यहाँ बिहाइंड द लेंस था यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द लेंस है। ठीक है सो दैट इज अबाउट योर कनकेव लेंस फर्स्ट केस। सेकेंड केस की अब हम बात करेंगे चलिए देखते हैं। अब इसमें हम बात करें तो हम बात करेंगे पहला सिचुएशन आपको क्लियर था जहाँ पे मैंने बोला ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा गया वर्चुअल और एक पिक्चर बनी पॉइंट साइज बनी। ठीक है अब मैं बात करूंगी कि मैं ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख रही हूँ इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो रे डायग्राम में हमने बात की पहले कनकेव लेंस में जब ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे। अब हम बात करेंगे जब आपका ऑब्जेक्ट है कहीं पर भी बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। जैसा आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे रखा फर्स्ट रे ड्रॉ की देन सेकेंड रे ड्रॉ की तो आपको काफी क्लियर दिख जाएगा कि आपको इमेज कहाँ मिली। आपको इमेज मिली वर्चुअल रेक्ट है और डिमिनिश्ड है। देखो डिमिनिश्ड कैसे समझ आता है डिमिनिश्ड है
आपका ये ऑब्जेक्ट साइज है, कंपेरेबल है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट साइज एंड दिस इज योर इमेज साइज, तो कितना छोटा है. सो क्लियर इट इज दैट इमेज साइज क्या है या इमेज कैसी बनी है, साइज में डिमिनिश बनी है और वर्चुअल और इरेक्ट है, ठीक है, स्ट्रेट बनी है. इससे पहले वाले जितने भी लेंसेज हमने देखा वो सब कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी. यहाँ पर आपने कहा कि ये कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है. Thank you.